स्वागत करते साडे वाला दूरदर्शन के उत्ते। सब तो पहला चोणवीं खबरां। मुंडिया वालों उठी है हैप्पी बर्थडे सोंग बनाने की मंग। लेंटर पैण वाले दिन अते ड्राइविंग टेस्ट वाले दिन मीला पैना पा दिंदा है पंगा। गैदरिंग इनफॉर्मेशन ने न्यूजीलैंड विच वधाई सैड सोंग की डाउनलोड की मात्रा। अते भैड़े इंपलॉई अंडर काम करना अते सिक कॉल करना कुछ सच्चियां गल्लां। ते हुण खबरां विस्तार दे नाल। दर्शकों मुंडिया वालों उठी है उन्होंने लिए भी पंजाबी दे विच हैप्पी बर्थडे सोंग बनाने की मंग। यानी कि दर्शकों नोटिस किया गया है कि हैप्पी बर्थडे की सैलीब्रेशन के लिए जो पंजाबी गीत बनाए गए ने वह सिर्फ कुड़ियों के लिए ही बनाए गए ने। दिलजीत दोसांझ भाजी का गाना हाय नी तैनू हैप्पी बर्थडे ते पटियाला सूट लैके देना, पंज तारा होटल में रोटी खिलानी, जो कि यह गाना बहुत ज्यादा मशहूर है, पर कुड़ियों के लिए ही बनाया गया है। तो दर्शकों नोटिस किया गया है जदों मुंडिया का बर्थडे हुंदा है उदों केक कटण के समय कोई भी पंजाबी गाना नहीं लभदा। जदों हैप्पी बर्थडे सोंग सर्च किया जाता है यानी कि हैप्पी बर्थडे सोंग फॉर बॉयज तो फिर अंग्रेजी दी पोइम्स ही आउंदियां ने। तो बेचारे मुंडिया के केक कटन के समय जिंगल बैल टाइप इंग्लिश पोइम्स लगाईआं जांदियां ने ते जां फिर कोकोमेलन दी हैप्पी बर्थडे वाली पोइम्स ओह लगा के केक नूं कट दित्ता जांदा है। बहुत सारे पंजाबी सिंगरां ने गाने गाए ने पर कुड़ियां दे बर्थडे लई ही गाए गए ने। इस करके मुंडिया दे वल्लों डिमांड उठी है कि उन्हां दे लई वी इक गाना बनाया जावे तां जो बर्थडे सैलीब्रेशन दे समय उस गाने नूं लगा के अपना केक कट सैलीब्रेशन कर सकन। बाकी दर्शकों मुंडिया दे वल्लों दिलजीत भाजी नूं रिक्वेस्ट कीती जांदी है कि उन्हां दी कमी तुसीं ही पूरी कर सकदे हो। अते सारे मुंडिया नूं उम्मीद है कि आप मुंडिया दे लई वी जरूर गाना कढोगे जो कि अपनी बर्थडे सैलीब्रेशन दे उत्ते लगा सकनगे। बाकी दर्शकों नोटिस किया गया है मुंडिया की जो केक कट सैलीब्रेशन होंदी है तां उत्ते कुड़ियां वाला गाना ही लगा दिता जांदा है। यानी कि तैनूं हैप्पी बर्थडे ते यही गाना लगा के संकोच करना पैंदा है। सो दर्शकों आप सब नूं रिक्वेस्ट है कि आप यह वीडियो दिलजीत भाई तक जरूर पहुंचा दिओ तां जो दिलजीत दोसांझ मुंडिया लई भी हैप्पी बर्थडे वाला सोंग जल्दी और जल्दी लैके आ सकन। सो इस तरह दर्शकों जो हैप्पी बर्थडे वाले पंजाबी सोंग्स ने वह हमेशा कुड़ियों के लिए ही बना दिते जाते हैं, मुंडिया बारे कोई सोचता ही नहीं। तो दिलजीत भाई नूं रिक्वेस्ट है कि गाना जल्दी और जल्दी रिलीज करो। तो आओ फिर वधदे आप अपनी अगली खबर के वल। दर्शकों मीह पैना यानी कि मीह का मौसम सब नूं बहुत ज्यादा पसंद हुंदा है अते सारे इस मौसम नूं इंजॉय करदे ने, पर दर्शकों मीह दा पैना उस टाइम दे उत्ते बहुत ही ज्यादा भैड़ा लगदा है जदों उस टाइम पवे जदों घर दा लेंटर पै रिहा होवे ते जां फिर हुंदा बंदे दा फुल ड्राइविंग टेस्ट। इन्हां दोनों मौकियां उत्ते मीह दा पैना काफी भैड़ा हुंदा है। बाकी दर्शकों आप सब नूं पता है कि घर दीआं नीआं ते कीती गई कंधां दी चिणाई उदों तक सार्थकता नूं प्राप्त नहीं करदी जदों तक छत ना पै जावे यानी कि उन्हां उत्ते लेंटर ना पै जावे। पर कई वार की हुंदा है कि जदों बंदा लेंटर पा रिहा हुंदा है उदों इह दस्तक दिंदा है मीह ते उदों बंदा सोचदा यार कमाल आ यार सारा दिन धुप निकली सी हुण लेंटर पैण जिहड़ा मीह शुरू हो गया। सो तां ही दर्शकों हुंदा है फुल ड्राइविंग टेस्ट वेले जेकर उस टाइम दे उत्ते मीह आ जावे ते बंदा तां अद्धा पहले ही नर्वस हुंदा है ते मीह पैण ते होर नर्वस होके अपना टेस्ट फेल करवा बैठदा है। उदां चाहे बंदे ने जिन्नी मर्जी मीह दे विच गड्डी चलाई होवे पर जो ड्राइविंग टेस्ट वेले इह मीह पैंदा है उस टाइम दे उत्ते शीशे उत्ते धुंद ही नहीं चक हुंदी यानी कि भाप ही इदां जम जांदी है कि बंदा एवें ही अपना टेस्ट फेल करवा बैठदा है। ते उस टाइम ते उह सोचदा है लै यार मेरे ड्राइविंग टेस्ट वेले ही आउणा सी मीह इह यह तो चंगी गल नहीं। बिकॉज दर्शकों देखा गया है कि मीह पैण के उत्ते जो ड्राइविंग के कुछ रूल होंगे ने वह कुछ चेंज हो जाते हैं। बाकी दर्शकों आप भी किस्सा साझा करो कि जो तुहाडा ड्राइविंग टेस्ट ही फुल ते उस टाइम मीह पै गया होवे सच सच दस्सो कि टेस्ट पास होया सी कि नहीं, क्योंकि मीह पैण से अद्धा बंदा एवें नर्वस हो जाता है। सो इस तरह दर्शकों जेकर मुख की गल आपां करिए लैटर पैण समय मीह का पैना अते फुल ड्राइविंग टेस्ट दिंदे समय इस चंद्रे मीह का पैना बड़ा ही भैड़ा साबित हुंदा है। उस टाइम ते मीह दा सुहावना मौसम सानू बहुत ही भैड़ा प्रतीत हुंदा है। ते आओ फिर वधदे आपां अपनी अगली खबर दे वल। दर्शकों गल करदे आं वन ऑफ रेजिडेंसी वीजा दी यानी कि फेस टू दी। ते दर्शकों नोटिस किया गया है जिन्हां स्टेटस तीन तीन महीने तो गैदरिंग इनफॉर्मेशन विच फसे होए ने वह अपने फोनां दे विच अजकल सैड सोंग डाउनलोड कर रहे ने। ते दर्शकों बीते दिनां विच नोटिस किया गया है कि गैदरिंग इनफॉर्मेशन स्टेटस वालिआं वल्लों कलेरकंठ दुर्गा रंगीला सावर कोठी अते होर भी कईआं दे सैड सोंग डाउनलोड कीते गए ने। ते उह सोंग किहड़े ने यानी कि वह पी आर कह रहे हैं कि आ जा मेरी जाने जान निकलती जाती है कदे तो तू आवेगी यानी कि इन्हों गाने द्वारा पी आर पूरी आवाजा मारिया जा रही ने। बाकी दर्शकों गल भी ठीक है कई कई महीने हो चुके ने ते स्टेटस गैदरिंग इनफॉर्मेशन चो बाहर निकलता नाम ही नहीं लै रहा अते सारे तंग होए पए ने। दर्शकों शुरू शुरू में जदों गैदरिंग इनफॉर्मेशन स्टेटस होया सी उदों सब ने अपने गाने डाउनलोड किए सी कि खा के धक्के हो गए पक्के बापू होण वधाइयां तैनू पुत पक्का हो गया तेरा शिफ्टां दा मुल पाउ देख लई अते होर भी कई पक्के होण वाले गाने अते सारिआं ने इस नूं अपनी फेवरेट लिस्ट विच ऐड कीता होया है। पर दर्शकों अजकल नोटिस किया गया है कि मौका ही नहीं मिल रहा कि इन्हां गाणिआं नूं बैकग्राउंड दे उत्ते ला के पी आर दी सैलीब्रेशन कीती जा सके। अते बीते दिन सोशल मीडिया उत्ते भी देखिआ गया है कि टिकटॉक उत्ते अजकल घट ही वीडियोज देखण नूं मिलदीआं ने पक्के होण वालीआं अते सेम ही हाल है फेसबुक दा अते सारे ही अजकल स्टक जिहे प्रतीत हो रहे ने। बाकी दर्शकों ये जो पक्के होने वाले गाने ने टिकटॉक उत्ते
अपनी फेवरेट लिस्ट दे विच ऐड कीते हुए ने अते जिद्दां ही पीआर आवेगी नाल ही इन्हां गाणियां दा बैकग्राउंड लगा के घरदियां नूं वधाईयां दित्तियां जाणगियां अते इन्हां वीडियोस नूं टिकटॉक दे उत्ते पोस्ट कीता जावेगा। पर दर्शको ऐड दा मोमेंट गैदरिंग इनफॉर्मेशन विच स्टक होण दे करके सारयां दे फोनां विच सैड सॉन्ग आप नूं मिलणगे। इस तरह अजकल बहुत ज्यादा डाउनलोड हो रहे ने। आओ फिर वधदे आप अपनी अगली खबर दे वल। दर्शको अज गल करदे आं भैड़े देसी इंपलाई अंडर काम करना अते सिक कॉल करन दी। दर्शको नोटिस कीता गया है कि जेकर बंदा ਭੈੜੇ ਦੇਸੀ ਇੰਪਲੋਈ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਭੁੱਲਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਪਲੋਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਮਾਰ, ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜਾਊ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਆ, ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਸਿੱਕ ਕਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੱਸਿਓ, ਗੈਟ ਵੈਲ ਸੂਨ। ਪਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜੋ ਭੈੜੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੈੜਾ ਦੇਸੀ ਇੰਪਲੋਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਾ ਲਓ। ਕੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਟੀ ਬੜੀ ਹੌਲੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਵਾਧੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਰੋਟੀਆਂ, ਕੰਮ ਆਲਰੇਡੀ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਾ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਆ ਸਾਡਾ। ਬਾਕੀ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਭੈੜੇ ਦੇਸੀ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਨੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਇਆ ਤੇਰਾ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟਾਮ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਲੇਵ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੱਸੋ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਭੈੜੇ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਖਰਾਬ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਵਰਕਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿੱਖ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਉਹਦਾ, ਕੌਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੂਗਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਇੰਪਲੋਇਰ ਸਿੱਖ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ, ਲਾਈਟ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ, ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਆ ਅਤੇ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੰਮ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਸੋ ਦੱਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਭੈੜੇ ਦੇਸੀ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਸੋ ਦੱਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਬਟਨ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਬਟਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਨਮਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਬਾ ਖੈਰ।